हाय, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई नो आज थोड़ा लेट हो गया है, ज्यादा नहीं था। अपोलॉजीज फॉर दैट एंड वेलकम टू आवर अनअकैडमी क्लास। बताइए मुझे थ्रू योर चैट एंड एक्सप्रेशंस, हाउ आर यू पीपल डूइंग? कैसे हैं आप लोग? हाउस लाइफ कैसा चल रहा है सब कुछ? आई होप एवरीबडी इज फाइन हियर। तो हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। यू आर हार्टली वेलकम हियर, वार्म वेलकम फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर एट माय प्लेस। द इवनिंग इज रियली प्रेजेंट। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश का मौसम, समथिंग दैट वी वुड लाइक टू एंजॉय। यहाँ पे तो हम मौसम के मजे ले रहे हैं एंड वी होप द सेम फॉर यू देयर ऑल्सो। आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ में रहिए। लेट्स सी हाउ एवरीथिंग इज गोइंग फॉर यू। तो यू नो पिछले दो सेशन के बाद आप जान गए होंगे, आई एम यामिनी एंड आई हैव डन माय पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज एंड आई हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर पास्ट 15 इयर्स। मेरा अभी तक का प्रोफेशनल लाइफ टीचिंग करियर हैज बीन वंडरफुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, इंटरेक्ट करना। और मेरा करियर ग्राफ, इफ आई टेल यू, इट हैज बीन सच कि मुझे हर कैटेगरी के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने को मिला है। व्हेन आई बिगेन एज अ टीचर, सो आई वाज डूइंग विद प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे थे, एंड देन ग्रेजुअली आई प्रोग्रेस्ड और मैंने फिर सीनियर बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, 10th, 11th, 12th। सो आई गॉट टू नो हाउ इज अ टीनेजर, टीनेजर के मन में क्या चलता रहता है, उनके अंदर अग्रेशन होता है तो क्यों होता है। एंड देन टू ईज आउट दैट स्ट्रेस आई हैड लिटिल चिल्ड्रन अराउंड मी, छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनके साथ बातें होती थी। फिर उसके बाद ग्रेजुअली मुझे लगा कि टाइम टू चेंज नॉट माई स्ट्रीम बट येस द वे आई वॉज टीचिंग। मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, दूसरे फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए। और तभी मुझे ध्यान आया कि इट्स हाई टाइम दैट आई स्विच टू ऑनलाइन टीचिंग। ऑफलाइन टीचिंग हो गई, आई एम स्टिल डूइंग दैट, ऑफ एंड ऑन घर पे कर लेती हूँ, बट अब टाइम था कि मैं स्विच कर जाऊँ टू माई ऑनलाइन टीचिंग। एंड विथ योर हेल्प आई थिंक आई बी एबल टू एक्सेल हियर ऑल्सो। मेरा ऑफलाइन टीचिंग करियर जितना अच्छा था, आपके हेल्प से मैं यहाँ पे भी एक्सेल करूंगी। एंड हाउ डू यू हेल्प मी डूइंग दैट? येस, ज्वाइन अस टू क्रैक सीबीएसई क्लास 12th विथ आर अन अकेडमी विच इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्रोग्राम के साथ में, हमारे करिकुलम के साथ में, एंड वी प्रोमिस हम आपको हेल्प करेंगे टू एक्सेल। क्या मिलता है यहाँ पे? वाई, आपके मन में जरूर क्वेश्चन आएगा दैट वाई आप क्यों आना चाहोगे हमारे साथ में अन अकेडमी में। तो हियर ऑन द स्क्रीन, बिफोर आई डिस्कस एनीथिंग, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई विल गिव यू जस्ट ब्रीफ आइडिया। आई होप शाम का टाइम है, सबका इवनिंग स्नैक एंड टी, एवरीथिंग इज डन, यू आर सिटिंग विथ एब्सोल्यूट फ्रेश मूड। लेट्स गेट ऑन टू व्हाट अन अकेडमी इज ऑफरिंग यू। सो वी ऑफर यू डेली लाइव क्लासेस। हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने एजुकेटर के साथ। जैसे इफ आई सी हियर, व्हाट डू आई गेट? आई एम गेटिंग, यस आई हैव व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स हु आर हियर टू हेल्प मी टू आस्क मी क्वेश्चंस। तो आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और हम एक लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। यू विल गेट टू चैट विथ योर एजुकेटर, लाइक यू कैन डू इट राइट नाउ एंड देन वी कैन इंगेज इन डिस्कशंस। आपके जो भी डाउट होंगे वील क्लियर दैट। आपके आंसरिंग पोल्स भी कराएंगे हम। सो इट कैन एंड इट विल नेवर बी वन वे कम्युनिकेशन। हम कभी भी एक तरफ से बातें नहीं करेंगे। दो इट अपियर्स ऑनलाइन में एक जो टीचर होता है वो बोलता जाता है, बोलता जाता है और बोलता जाता है, और आपको कोई सुनता नहीं है। आपको अपने पॉइंट्स कहने का, अपनी क्वेरीज पूछने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। दिस विल नॉट हैपन हियर विद अस। हमारे साथ ऐसा नहीं है। वी आर गिविंग यू अ लाइव प्लेटफॉर्म जहां मैं बोल रही हूँ, यू कैन डेफिनेटली क्रॉस क्वेश्चन एंड क्लियर योर डाउट। देन कम टू लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं? टेस्ट का पर्पस क्या होता है? टेस्ट का पर्पस ये बताना नहीं होता कौन कितना इंटेलिजेंट है, नहीं बिल्कुल नहीं। टेस्ट का पर्पस ये होता है टू टेल यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आपने कितना समझा है। बेसिक क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट इज दिस ओनली, व्हाट एवर यू हैव स्टडीड, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड, हाउ मच कुड यू ग्रैस्प फ्रॉम दैट एंड दैट, ये आपके टेस्ट का पर्पस
पर्पस यही होता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट टेस्ट, तो टेस्ट कैसा लगता है? अरे यार बहुत ही मोनोटोनस है। हम टेस्ट को मोनोटोनस भी नहीं रखते हैं, वी कम अप विथ क्विजेस, क्विजेस इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, या फिर आप ही होंगे जो क्वेश्चन करेंगे और हम उस क्विज के पार्टिसिपेंट होंगे और हम आपके लिए आंसर करेंगे। तो वी हैव एन इंटरक्टिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ टेस्ट एंड क्विजेस, नॉट द मोनोटोनस एंड बोरिंग वन। देन वी हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आपके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में क्या होता है, आप जब हमारे साथ रह के पढ़ाई करते हैं, यू डोंट हैव टू रेफर टू एनीथिंग एल्स, आपको किसी और चीज को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं आएगी। हम आपको एग्जाम रिलेटेड सिलेबस की पूरी तैयारी करा देंगे, एवरीथिंग विल बी एट योर फिंगर टिप्स, आपके फिंगर टिप्स पे होगा। एंड फर्दर हाउ टू रीच ऑल दीज मटीरियल्स, तो वो है सब्सक्रिप्शन। यू टेक वन टाइम सब्सक्रिप्शन फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स एंड देन यू गेट एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। आप सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज को एक्सेस करते हैं सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से। देखें यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास सब्सक्रिप्शन के लिए, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए एंड देन वी गिव यू प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यस, हमारे लाइव क्लासेस होंगे, हमारे लाइव एजुकेटर्स के साथ हम आपके लाइव क्लासेस कराएंगे। लाइक आई एम हैविंग अ सेशन विथ यू, क्लास कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही हमारे बाकी के एजुकेटर्स होंगे आपके साथ में एंड दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट एंड योर टॉपिक्स। देन वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। आप एक सब्सक्रिप्शन लेके, ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश के लिए सब्सक्राइब किया है यामिनी के रेफरल कोड से तो आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, नहीं फ्रेंड्स, हम आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कराते हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आप कवर करेंगे थ्रू ओनली वन सब्सक्रिप्शन। व्हाट डू यू डू, आप यहाँ पे देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी का लर्निंग ऐप यहाँ पे डाउनलोड करना है। वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन, आपको यहाँ पे अन अकेडमी लर्निंग ऐप विच यू कैन सी हियर, यू हैव टू इंस्टॉल इट इन योर फोन एंड देन यू आर गुड टू गो। आप हमारे साथ में होंगे विद 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशन एवरी डे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आई टोल्ड यू इंग्लिश एंड हिंदी। द बेस्ट पार्ट इज दैट वी केटर टू एवरीबडी एंड फॉर एवरीबडी। हमारे क्लासेस इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, देन लाइक यू कैन सी राइट नाउ इट इज बाइलिंगुअल ऑल्सो, सो वी मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लर्निंग टीम के मेंबर बनिए। प्रिपेयर विद आवर टॉप एजुकेटर्स, हमारे टॉप के एजुकेटर्स के साथ पढ़िए, उनसे समझिए, सो दैट योर सिलेबस विच सो फार वॉज डिफिकल्ट फॉर यू बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ क्वेश्चन तो दिमाग में जरूर आया होगा, कैसे करें? सिंपल है, हियर ऑन योर स्क्रीन इफ यू सी वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 12, सीबीएसई क्लास 12 सब्सक्रिप्शन। और इस साल तो ये सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए बहुत ही फायदे की बात होगी। रीजन भी पैंडेमिक के वजह से क्लासेस नहीं हुई हैं, यू हैव नॉट बीन एबल टू गो टू स्कूल रेगुलरली, तो आप कुछ भी नहीं अटेंड कर पाए हैं। सो वॉट हैपन्स योर इज दैट यू गो फॉर दिस 12 मंथ्स कोर्स, यहाँ पे जिसका पर मंथ यू हैव टू पे 1042 रुपीज। आप 12 मंथ का कोर्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए 12,500 रुपीज में एंड देन देयर यू आर, आप हमारे टीम में हैं एंड वी आर देयर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मटेरियल्स। क्या करना है, ऑन द बॉटम ऑफ दिस पेज आप देखिए लिखा है YAMINI1, दैट्स द रेफरल कोड यू नीड टू अप्लाई व्हेन यू आर सब्सक्राइबिंग। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, मेरा रेफरल कोड है YAMINI1, सब्सक्राइब कीजिए और पे कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ अस। आई होप यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई वुड वॉन्ट यू पीपल टू ज्वाइन अस, मिलते हैं, बातें करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी देंगे आपको। सॉल्यूशंस, यस राइट, वेन वी टॉक अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, हम बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं, बी इट 10th हो बी इट 12th, सारे में यू गेट क्वेश्चन, सो यू थिंक हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे अटेम्प्ट करें, उसी का एक सेक्शन लेके आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एंड विच इज, यस, मार्टिन लूथर किंग की एक फेमस लाइन है विच सेज इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड
पिक अप योर पेन एंड राइट। यस, अगर आपको याद हो, इन हिंदी इंग्लिश का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है विच सेज अ पेन इज माइटियर देन अ सॉर्ड। तो हमारे पेन में, हमारे राइटिंग में इतनी ताकत होती है दैट वी कैन चेंज एंड ब्रिंग चेंज टू लॉट मेनी थिंग्स, लॉट मेनी पीपल्स वे ऑफ थिंकिंग एज वेल। हम चीजों को बदल सकते हैं जस्ट थ्रू मीडियम ऑफ राइटिंग। राइटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लेटर, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टुडे। यस, क्लास 12 टॉपिक फॉर्मल लेटर्स। हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था अनसीन पैसेज। सो मूविंग ऑन विथ दैट, वी हैव टुडे फॉर्मल लेटर्स। लेटर्स होते हैं ना, याद तो है आपको? बिल्कुल याद है, भूलना क्या है? लेटर्स लेटर्स लेटर्स, इट्स लाइक कि हमने क्लास 5th से जब लेटर राइटिंग पढ़ना शुरू किया था और प्रैक्टिस करना शुरू किया था, इट हैज बीन देयर विद अस थ्रू आउट। ओनली द मोड हैज चेंज्ड। पहले हम लेटर्स पोस्ट कार्ड और रिटन फॉर्म में भेजते थे थ्रू पोस्टमैन, नाउ द मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग और पोस्टिंग दोज लेटर्स हैव चेंज्ड। अब हम ईमेल भेजते हैं, सोफिस्टिकेटेड है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो लेटर्स, इफ यू रिमेम्बर, आर ऑफ टू टाइप्स, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। हमने इनफॉर्मल लेटर पढ़ा है, हमने फॉर्मल लेटर भी पढ़े हैं। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे फॉर्मल लेटर पे। दोनों के फॉर्मेट में डिफरेंस होता है एंड दैट्स व्हाट विल डिस्कस। ये देखिए, इमेज कितनी अच्छी है, ये सिंसियर बच्चा है, रीडिंग थिक बुक विच आई नेवर कुड। इतनी मोटी बुक तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, लेटर ऑन इन लाइफ लगा पढ़नी चाहिए, सो आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू दैट। ओके, सो वी हैव टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, पर्पस ऑफ फॉर्मल लेटर, मार्क्स एलोकेशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन, देन फॉर्मेट एंड सैंपल। आज जब हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे तो इसमें ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, पर्पस ऑफ अ फॉर्मल लेटर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेट एंड सैंपल। ओके, सो वी हैव टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर मी इट वॉज रियली डिफिकल्ट, मुझे बहुत मुश्किल होती थी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। मुझे तो इनिशियली इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर डिफ्रेंशिएट करना ही मुश्किल होता था। बट ग्रेजुअली ओवर अ टाइम विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस समझ में आ जाती है। यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी चीज को, हार के या थक के, यू शुड नेवर लीव इट। फॉर्मल लेटर एंड देन दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट सब्सक्राइब विद अस, बिकॉज देर आर स्मॉल इश्यूज जो कि हमें समझ ही नहीं आता। इनफैक्ट ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कहीं गलती भी कर रहे हैं या तरीका ये गलत है हमारा। एंड वेन यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, आप चीजें देखते हो, पढ़ते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स रिलेटेड, तब समझ में आती है कि अच्छा, ओके, यूरेका जैसे हो जाता है कि अच्छा, इसको करने का ये भी तरीका है एंड दिस इज मच इजियर। हम ऐसे कर सकते थे, ज्यादा आसान था करना और कम टाइम में हो जाता है। तो वो ना, दैट एक्साइटमेंट इज डिफरेंट। ओके, सो बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। सो फॉर्मल लेटर के चार टाइप होते हैं, विच इज बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन। बिजनेस लेटर फॉर्मल लेटर होते हैं, बट नॉट ऑल बिजनेस लेटर्स कैन बी फॉर्मल लेटर्स। उसमें थोड़ा इधर उधर हम एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, ऑफिशियल लेटर्स। तो यू माइट बी हैविंग दिस क्वेश्चन, आपको लगता होगा कि ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर में क्या फर्क है। होता है, आगे देखेंगे क्या फर्क है। तो दैट्स द एक्साइटमेंट एंड दैट्स द सस्पेंस ऑल अबाउट। लेटर ही तो है सारे के सारे, एक नजर से आपको सारे एक जैसे लगेंगे। अरे सारे ही तो ऑफिशियल वाले लेटर होते हैं, बट उनमें डिफरेंस होता है। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन योर क्वेश्चन पेपर। तो जब हम क्वेश्चन पेपर अपना देखते हैं, आप जब बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेशन स्पेसिफिकली। हाँ, एक और बात, अगेन कमिंग बैक टू पैंडेमिक। पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है कि इस बार जो बोर्ड का सिलेबस है, जो
आपने न्यूज़पेपर में ऑफकोर्स पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा दैट सिलेबस हैज बीन कट डाउन। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आज के सेशन में, इट इज कीपिंग इन माइंड दैट ओनली। तो आपका जो इस बार का क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड का, दैट इज अनदर रीजन मैं आपको बता रही हूँ। सब्सक्राइब विद अस बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन। हम आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कराएंगे। विल टेल यू अन अकेडमी विल बी द प्लेटफॉर्म जो आपको ये बताएगा कि आपको क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है और क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कितनी प्रिपरेशन करनी है और क्या नहीं करने की जरूरत है। बेसिकली विल सेव योर टाइम ऑल्सो। ओके, सो वेन यू गेट योर क्वेश्चन पेपर, आपने क्या करना है, आप उसको पढ़ेंगे। मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। इट विल बी लेटर्स के जो क्वेश्चन होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट, और वर्बल और विजुअल इनपुट। वर्बल तो होगा ही, लैंग्वेज होगा, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी होंगी। ये भी हो सकता है कि उसमें विजुअल भी हो, विजुअल के साथ भी हो सकता है। टू बी आंसर्ड इन अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 words। वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन प्ले विथ 5-10 words प्लस माइनस जा सकते हो आप, कोशिश करना उससे ज्यादा नहीं हो। बिकॉज लेटर इज सपोज टू बी क्रिस्प, वर्ड लिमिट में रहिए, टू द पॉइंट लिखिए एंड देन देयर यू आर गुड टू गो एंड स्कोर। ओके, लेटर टाइप्स इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, लेटर्स टू द एडिटर, गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वन आउट ऑफ द टू गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। सेकेंड पॉइंट होगा आपका कि इधर आपका एप्लीकेशन फॉर अ जॉब होगा या फिर लेटर टू द एडिटर होगा, ये दोनों क्वेश्चंस होंगे, बट इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड देन यू हैव फॉर्मेट, फॉर्मेट आई वॉज टॉकिंग अबाउट हमारे टाइप्स में जब हम डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। टोटल 5 मार्क्स का आपका लेटर होगा, जिसमें फॉर्मेट का 1 मार्क होगा, कंटेंट के 2 मार्क्स होंगे और एक्सप्रेशन के भी 2 मार्क्स होंगे, विच इन टोटल विल मेक इट 4 मार्क्स। ओके, कॉम्पिटेंसी, आपकी लेटर राइटिंग में एज एन एग्जामिनर, अगर मैं अपनी बात करूं या फिर इफ यू वॉन्ट टू कीप द एग्जामिनर इन माइंड, एग्जामिनर चाहता क्या है आपसे, वॉट इज द एग्जामिनर लुकिंग फॉर इन अ स्टूडेंट। Hence, the examiner is clearly looking for conceptual understanding and application of rules. Formal letter का I told you pattern होता है, एक तरीका होता है formal letter लिखने का। So यहाँ पे जो examiner है वो ये देखना चाहता है कि आपको concept की, letter writing का जो concept है उसकी कितनी understanding है, या फिर जो rules लगने चाहिए वो आप कितना समझते हैं और किस तरह से उसको apply करते हैं। देन एनालिसिस एंड रीजनिंग, ये आप जब अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको पढ़ के आपको समझना है कि उस क्वेश्चन से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उस पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो किस तरह से दे रहे हैं। देन अप्रोप्रिएसी ऑफ स्टाइल एंड टोन, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। मैंने आपको पहले भी समझाया था मेरे पिछले वीडियो में, इफ यू रेफर टू इट यू विल फाइंड कि हमने स्टाइल और टोन की बात करी थी। बिकॉज स्टाइल ही तो होता है, स्टाइल के पूरे नंबर होते हैं, और टोन, टोन से ही हमारी दोस्ती बनती है और टोन से हमारी दोस्ती टूट जाती है, इजंट इट। सो व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर कीप दैट इन योर माइंड, अपने दिमाग में ये बात रखिए, सोचिए कि अगर किसी का टोन सॉफ्ट हुआ, सटल हुआ, आप डेफिनेटली उससे बात करना चाहते हो ना, और वही कोई रफ टोन में आएगा आपसे बात करने के लिए तो आप क्या करोगे, यू वुडंट वॉन्ट टू एंटरटेन दैट पर्सन, करेंगे आप बात, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो When you are writing your letter, please be very particular about it. कि आपका style और आपका tone जो होता है वो subtle और polite होना चाहिए, style आपका clear होना चाहिए, उसमें ambiguity नहीं होगी। And then using appropriate format, format होता है letter का, informal का और formal का, दोनों का format होता है जो आपको याद होगा, but थोड़ा confusing होता है ये। डेट कहाँ लिखना है, इसमें किसका एड्रेस लिखना है, किसका एड्रेस नहीं लिखना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इट इज लाइक कि आप एक साथ दो दोस्तों के घर नहीं जा पाओगे, ठीक है, तो यू हैव टू डिसाइड। वही वाली बात होती है कि आपको फॉर्मल लेटर में आप इनफॉर्मल ना डाल दें, इसका ध्यान रखना होता है। दैट ऑल्सो विल टीच यू व्हेन वी आर हियर, देयर इज नो फियर। ओके, फ्लुएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, फ्लुएंसी इज कि आपका जो आइडिया है और लैंग्वेज, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ,
आपके आइडियाज में फ्लुएंसी होनी चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। इट शुडंट हैपन कि आप एक चीज कर रहे हो, एक चीज नहीं कर रहे हो, फिर आपके आइडियाज जो है कनेक्टेड नहीं लगेंगे। आपने अभी एक लाइन में तो कुछ और कहा और नेक्स्ट लाइन जो है वो पहली वाली लाइन से कनेक्टेड नहीं फील हो रही है। दैट्स द कैच, उसका आप जरूर ध्यान रखना। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज कि जब आप लिखने का सोच रहे हैं तो आपके जो आइडियाज होते हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए। एग्जामिनर को इमिडिएटली लग जाएगा कि आप शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी, और आपके क्वेश्चंस जो है, आपके जो आइडियाज हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, बिकॉज आपने क्वेश्चन को समझा नहीं है और उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ना इन्फरेंस, इन्फरेंस इज योर अंडरस्टैंडिंग। इवेल्युएशन इज कि आप पूरे प्रॉब्लम, इफ द लेटर इज टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, तो उसको इवेल्युएट कीजिए, उस सिचुएशन को समझिए और उसको प्रेजेंट कीजिए। एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज अगेन अबाउट एक्सप्रेशन। आप अपने थॉट्स को कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं विल शो योर क्रिएटिविटी। राइटिंग स्किल्स तो होती ही क्रिएटिविटी के लिए है। आप जितनी क्रिएटिव तरीके से अपने वर्ड्स को, इट इज नॉट अबाउट पेंटिंग, हम कलर वाली बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं आप अपने वर्ड्स को कितने अच्छे ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज क्रिएटिविटी। आएगा आएगा, सारा सब आता है, सब समझ में आता है। वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड वी विल मेक यू प्रैक्टिस दैट, वी अश्योर यू। ओके, नाउ बिजनेस लेटर। इनिशियली आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट टाइप्स ऑफ लेटर, हम उसकी बात कर रहे थे। तो द फर्स्ट वन वाज बिजनेस लेटर। व्हाट आर बिजनेस लेटर्स? बिजनेस लेटर्स आर लेटर्स आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर से आप कहीं गए हो, वहां पे आपको कुछ पता करनी है चीजें, तो व्हाट डू वी डू? वी राइट अ लेटर। हम जाके पर्सनली बात नहीं कर पाते हर जगह, ठीक है, हमें कुछ पता होता है। सपोज वी आर स्टेइंग इन टू डिफरेंट सिटीज, और किसी चीज के बारे में पता चला है, किसी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के बारे में पता चला है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन इट, तो व्हाट डू वी डू? पूरा डिटेल पता करने के लिए वी राइट अ लेटर एंड वी सेंड इट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इन्फॉर्मेशन। हम वहां से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देन लेटर एज रिप्लाई टू अ क्वेरी। अब सपोजिंगली हमारे पास कोई ये लेटर आया, लेटर आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेट टू बिजनेस, ठीक है, उसको रिप्लाई करेंगे हम, दैट अगेन इज अ बिजनेस लेटर। देन हमें किसी चीज का ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिंत्रा एज अ कस्टमर, मिंत्रा पे तो सारे लोग ऑर्डर करते हैं, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, बट ये यहाँ बिजनेस रिलेटेड जो हमारे ऑर्डर होंगे हम उसकी बात करेंगे। एंड देन कैंसलिंग ऑर्डर, अगर हमें कोई चीज नहीं चाहिए फॉर द टाइमिंग, हमने पहले ऑर्डर कर दिया था लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, सो व्हाट डू वी डू? हम इसमें ऑर्डर कैंसलिंग के लिए भी बिजनेस लेटर का ही यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या था? यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि व्हाट वाज द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लेटर हमारा क्या था। यस, तो आवर नेक्स्ट लेटर वाज बिजनेस लेटर, राइट। हर जगह हमें कुछ पता होता है, सपोज ओके, ऑफिशियल लेटर, इस तरह के लेटर्स को हम ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में रखते हैं। तो व्हेन यू हैव अ लेटर व्हिच इज अबाउट रजिस्टरिंग कंप्लेन, जैसे चोरी हो गई है या पब्लिक सर्विसेज में कहीं सपोजिंगली आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट नहीं है या फिर टैप जो है वो टूटा हुआ है, तो व्हेन यू राइट सच लेटर्स टू अथॉरिटीज दे आर कॉल्ड ऑफिशियल लेटर। मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट कोर्सेज एंड एडमिशन, इसकी आपको बहुत जरूरत आने वाली है। वंस यू क्लियर योर 12th, इनफैक्ट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ कम्पलीटिंग योर 12th, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको अलग अलग जगह एडमिशन लेना है, कोर्सेज करने हैं, सो नॉट एवरीवेयर इट इज गोइंग टू बी एज स्मूथ एज इट इज गोइंग टू बी विद अस, कि आपने सब्सक्राइब किया एंड देन देयर यू आर इमिडिएटली विद अस। आप सब्सक्राइब करेंगे और इमिडिएटली ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और आप हमारी टीम में आ जाएंगे, लर्नर्स की टीम में, और हमारे साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है, देर आर कोर्सेज एंड देर आर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो एप्लीकेशन होता है वो कौन से फॉर्मेट में होता है या किस टाइप में जाता है? फॉर्मल लेटर है बट इट फॉल्स इन ग्रुप ऑफ
ऑफिशियल लेटर एंड देन यू हैव जॉब लेटर्स. आप अपना कॉलेज पास करेंगे देन देर वुड बी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. आप कैंपस के लिए भी जाएंगे, आपके बड़े भाई बहन भी गए होंगे डेफिनेटली कैंपस के लिए. अब आपका ड्रीम है, सो व्हाट डू? यू राइट एन एप्लीकेशन आस्किंग फॉर अ जॉब रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. सो दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ जॉब लेटर्स. देन आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था. तो जब आप ये लेटर लिखते हैं उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है. बट बिफोर दैट विल डिस्कस द फॉर्मैट. फॉर्मैट है या आपका, इफ यू रिमेम्बर इन द प्रीवियस स्लाइड आई हैड डिस्कस्ड विद यू टाइप्स पर्पस जो हमने कर लिया. टाइप्स हमारे बिजनेस ऑफिशियल जॉब लेटर्स होते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट वाला है लेटर टू द एडिटर जो आपने बहुत बार क्वेश्चन पेपर में देखा होगा. आई कम टू दैट लेटर, वो बाद में करेंगे. अभी आप इतना इसको समझिए और चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए ये कैसा था, क्या समझा आपने इसमें. क्विकली यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स ऑल्सो दैट आई कम टू नो कि अभी तक आपने समझा कितना है. ओके आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर. Here is the format, and then before that it is the marks distribution. So your format has, अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे और recollect करने की कोशिश करेंगे तो you will find it talks about sender's address, date, receiver's address, subject, salutation, subscription or complimentary close. ठीक है, so ये point number 1, 2, 3 4 एंड 5 ये आपका बिगिनिंग ऑफ द लेटर में होता है. एंड देन योर पॉइंट नंबर 6 कम्स एट द एंड ऑफ द लेटर. ये जो आपका लेटर खत्म होता है ये वहां पे आएगा. और उसके बाद क्या होता है, कंटेंट. कंटेंट इज ऑफ 3 मार्क्स, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड. एंड आई बिलीव आपको वो वर्ड लिमिट भी याद होगी विच इज 150 वर्ड्स से लेके, यस 100-150 वर्ड से 200 तक में आपका होता है. तो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज ऑफ 2 मार्क्स. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ग्रामेटिकली आप कोशिश कीजिए कि आपके लेटर में कम से कम मिस्टेक्स हो. अप्रोप्रिएट वर्ड एंड स्पेलिंग, कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल. सो दीज आर द थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या अपने विचारों को प्रकट करना, और प्रकट करना इफेक्टिवली एंड स्मूथली. आप सोच के देखो, अगर आप कभी किसी से मिलते हो, आपको उससे बात करनी है और आपकी बातें जो है वो सामने वाले को क्लियरली समझ नहीं आ रही, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ हो रही है यहाँ पे कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, वो तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है. तो वहां पे क्या होता है कि जब आप बातें करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं, तो सामने वाला 2+2 करके आपकी बात को समझ लेता है. बट हियर इट इज समथिंग यू आर राइटिंग ऑन पेपर. आप अपने विचार को, अपने ओपिनियन को, अपने व्यूज को राइटिंग में एक्सप्रेस कर रहे हैं. फेस टू फेस तो बात होगी नहीं, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड स्पेलिंग, कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल, इन सारे की प्रैक्टिस और परफेक्शन बहुत जरूरी होती है. आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि इन सारे पॉइंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है. वो डूज एंड डोंट्स होता है ना, वी टीच यू डूज एंड डोंट्स बोथ, एंड द फोकस इज ऑन डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए. ओके नाउ फॉर्मेट, आई टोल्ड यू फॉर्मेट के शुरू के 6 पॉइंट्स होते हैं. तो यू हैव सेंडर्स एड्रेस, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. सेंडर्स एड्रेस, सपोजिंगली आप लेटर लिख रहे हो, आप लेटर सेंड करने वाले हो गए ना, तो सेंडर हो गए आप. एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, आप जिसको एड्रेस कर रहे हो, मतलब जिसको हम बुला रहे हैं वो क्या हो गया, इज बीइंग एड्रेस्ड, तो वो हमारा एड्रेसी हो गया. देन यू राइट द डेट. सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन सर मैडम. ये सर मैडम हम क्यों लिखते हैं, ये होता है इसलिए कि सपोजिंगली आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एंड यू आर नॉट एबल टू मेक आउट कि वेदर
इट इज अ मेल और अ फीमेल. बेसिकली अगर आपको जेंडर नहीं पता है सो इट इज सेफ टू राइट सर और मैडम. सर ओब्लिक करके मैडम लिख दीजिए, दैट इज एक्सेप्टेबल. एंड देन सब्जेक्ट, यस. तो पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 बहुत इजी होता है इसको याद करना. अब आप फॉर्मेट में कभी गलती नहीं करेंगे बिकॉज आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि फॉर्मल लेटर में आपने क्या करना है. शुरू में आपके 5 पॉइंट्स होने चाहिए. सेंडर्स एड्रेस, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, डेट, सैलिटेशन, सब्जेक्ट, 5 चीजें. उसके बाद आप लाइन छोड़ेंगे एंड देन योर बॉडी विल स्टार्ट. बिफोर दैट लेट्स डिस्कस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश नहीं होगा. सब्जेक्ट विद द लेटर वुड बी कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं. और दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा कि जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इट शुडंट बी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक लाइन, दो लाइन ऐसे हो जाए, या फिर आपने लेटर का पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन ही उतार दिया. ये मत करना, ये मत करना. बिलीव मी एज एन एग्जामिनर इट इज वेरी डिफिकल्ट, बड़ी मुश्किल होती है उसमें से मुझे सब्जेक्ट ढूंढ के और मार्क्स देने में. तो परेशान क्यों करना. एनीवेज, सो व्हेन यू रीड योर लेटर, जब आप अपना लेटर पढ़ते हैं उसमें से आपको ये सब्जेक्ट दिखेगा और आपको सब्जेक्ट उठा के और इस वाले फॉर्मेट में सेट करना है, फिट करना है. सो दैट जैसे ही आपका एग्जामिनर लेटर पढ़ रहा है उसको इमीडिएटली सब्जेक्ट वाली हेडिंग पे आके पता चल जाएगा, ओके दिस इज व्हाट द लेटर इज अबाउट. आपके आपके लेटर ने कुछ लिखने से पहले ही इम्प्रेस कर दिया है आपके एग्जामिनर को. जब आप सही सही सब्जेक्ट पकड़ के और लिख पाएंगे, उसका हेडिंग सही लिख पाओगे, आपका एग्जामिनर बिलीव मी इम्प्रेस हो जाएगा. देयर विल बी अ स्माइल ऑन द एग्जामिनर्स फेस. उसकी खुशी तो आपको मैं क्या ही बताऊं. यू कैन सी द एक्सप्रेशन, बहुत खुशी होती है. यू आर इम्प्रेस्ड विद द पेपर. ओके, देन यू हैव बॉडी, जिसको हम कंटेंट बोलते हैं. दैट बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस, दैट इज 3 पैराग्राफ. ये मैंने यहाँ पे बिगिनिंग, कंटेंट, एंड इसलिए लिखा है ताकि आपको ऐसे याद रहेगा कि आपने अपने लेटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखना है. कभी भी 1 या 2 पैराग्राफ में लेटर मत कंप्लीट कीजिएगा. योर बिगनिंग शुड बी देयर, कंटेंट शुड बी देयर, एंड एंड शुड बी देयर. 3 सेक्शंस में होना चाहिए. एंड देन यू हैव सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन आपको पता है, सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी हम इसे बुलाते हैं, विच इज योर्स सिंसियरली. आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप देखना, आपके फ्रेंड्स अगर लेटर लिख रहे हैं तो आप देखना वो क्या करते हैं. वो YOURS अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, यस और नो, ऑनेस्टली बताना. मेनी टाइम्स लगाते हैं, पता चलता है आर के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं. वो कभी मत लगाइएगा, अपोस्ट्रोफी नहीं लगती, इट इज योर्स, ठीक है. एंड देन सेकेंड एरर यू विल फाइंड इज एस, कैपिटल लिख देते हैं. नहीं भाई, कैपिटल मत लिखना, आप तो बिल्कुल भी मत लिखना. एंड द थर्ड एरर वुड बी कि लोग यहाँ पे सिंसियरली की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं. सी एस आई एन, सिन, सी ई आर ई एल वाई. सो एल ई वाई मत करना दोस्तों, आर ई एल वाई होता है. इट इज योर सिंसियरली. एंड अब तो मुझे आज बिल्कुल ही विश्वास है आप लोगों पे कि आप अब गलती नहीं करेंगे, ये चीजें आपको याद रहेंगी जरूर. ओके, देन नेक्स्ट इज लेटर टू द एडिटर. आई टोल्ड यू हमारे 4 टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं. 3 हमने पहले डिस्कस कर लिया. इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया? फॉर्मेट ऑफ द लेटर हमने डिस्कस कर लिया. अब हमारे पास डिस्कशन करने के लिए क्या है? जॉब लेटर के साथ साथ लेटर टू द एडिटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपको ऑफकोर्स किसी भी तरह का क्वेश्चन मिल सकता है रिलेटेड टू फॉर्मल लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर भी मिल सकता है, विच वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लेटर. बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, वराइटीज होते हैं लेटर्स में. तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर टू द एडिटर. इसका भी पर्पस होता है. आई डिस्कस विद यू ऑफिशियल लेटर किस तरह के होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, बिजनेस लेटर क्या होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं. लेटर टू द एडिटर कहाँ देखा है? लेटर टू द एडिटर बताओ, राइट इट इन द चैट बॉक्स और लिख के मुझे बताइए आपने लेटर टू द एडिटर कहाँ देखा है, कहाँ होता है. आई नो दैट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन टू आस्क. लेटर टू द एडिटर आपको बेसिकली न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है. न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वाला पेज होगा, उसमें नीचे में, बहुत जगह नीचे में, बॉटम टूवर्ड्स द बॉटम यू विल फाइंड दिस सेक्शन लेटर टू द एडिटर.
होता क्या है इसमें, दीज आर लेटर्स एक्सप्रेसिंग व्यूज और गिविंग सजेशंस ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये लेटर टू द एडिटर होता क्या है, लेटर टू द एडिटर ऐसे लेटर्स होते हैं जहां पे मी और यू एज अ पब्लिक, एज अ मेंबर ऑफ पब्लिक एक्सप्रेस योर व्यू और गिव सजेशन ऑन एनी इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का इश्यू होगा, सपोजिंगली रैश ड्राइविंग है या फिर मंकी मेनस है या केसेस ऑफ रॉबरी और थेफ्ट है, इस तरह की कोई भी चीज है जो पब्लिक इंटरेस्ट की है, और डैमेज रोड्स हैं, बैड रोड सर्विसेज हैं, बैड बस सर्विसेज है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड यू वॉन्ट टू ब्रिंग पीपल्स अटेंशन टू इट, यू वॉन्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट समथिंग, सो यू राइट अ लेटर टू द एडिटर विच इज पब्लिश्ड इन न्यूज पेपर। सिंस न्यूज पेपर इज अ मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, अगर आपको लो कॉस्ट में मेजोरिटी ऑफ लोगों को पहुंचना है सो न्यूज पेपर इज द बेस्ट मीडियम फॉर दैट। इसके थ्रू आप बहुत आसानी से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, विच विल बी अ काइंड ऑफ सोशल सर्विस ऑल्सो, और सोशल सर्विस तो करना चाहिए है ना। बिल्कुल ओके ओके। नेक्स्ट इज क्यू लिखते हैं, दे कैन टेक अ पोजिशन फॉर और अगेंस्ट एन इशू और सिंपली इन्फॉर्म और बोथ। देन अगर आपका अपना कोई ओपिनियन है किसी ऐसे पॉइंट पे, किसी ऐसे इशू पे जो कि अगेन रिलेटेड टू बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी है और समथिंग विच इज गोइंग टू हार्म द सोसाइटी, इन बोथ द केसेस लाइक हियर वी हैव सीन फॉर और अगेंस्ट, कुछ भी ऐसा है जो कि बेनिफिट ऑफ द पब्लिक है या फिर समथिंग विच इज गोइंग टू हार्म द पब्लिक, तो जब आप अपने ओपिनियन लिखना चाहते हो तो आप इस कॉलम का यूज करते हो, लेटर टू द एडिटर इन एनी ऑफ द केसेज, एंड यूजली शॉर्ट एंड टाइट रियली लॉन्गर देन 300 वर्ड्स। तो इसको लाइक आई टोल्ड यू कि लेटर का अपना वर्ड लिमिट होता है जो आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिया होता है, ठीक है, इट डजेंट एक्सीड 300 वर्ड। आप प्लीज बहुत मॉनिटर कीजिएगा इसको, बारीकी से देखिएगा कि आपका वर्ड लिमिट क्या है लेटर में, 150 to 200 वर्ड्स होते हैं, आप उतने में ही रहिएगा डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट डिस्क्राइब्ड ओवर देयर। ओके, when we were discussing about format of the letter, I'll come back to the previous slide. देखिए हमने बात करी थी यहाँ पे body की, isn't it? Beginning, content and end. This is what I'm going to elaborate in the next slide. याद आया? आ गया? Revision हो गया immediately? Thank you. Okay. So beginning, middle and end. तो पैरा वन, लाइक आई टोल्ड यू, हमेशा तीन पैराग्राफ में डिवाइड करने का सोच के रखिए अपने लेटर को, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये जो मैं आपको बताऊंगी उसके बाद, ऑटोमेटिकली आज के बाद तो थ्री पैराग्राफ कहीं जाते ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होनी है, आई हैव जीनियस विथ मी। ओके, तो इंट्रोडक्शन, रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर लेटर। सब्जेक्ट लिख दिया, आपको पता है आप किस लिए लेटर लिख रहे हो, पता है ना, पता है किस लिए लिख रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने अपने पहले पैराग्राफ में जो भी बात है, बी इट अ सजेशन, बी इट अ प्रॉब्लम, आपने वो रीजन स्टेट करना है आप लिख क्यों रहे हैं, ठीक है, यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड देन यू विल राइट द स्टेट द रीजन फॉर राइटिंग दैट पर्टिकुलर लेटर। कारण क्या है, मुद्दा क्या है, यहाँ पे रीजन हियर वुड बी कि मुद्दा क्या है। ओके, Now, when we come to next paragraph, paragraph 2 जो होता है उसमें आपने ये देखना है कि जो मुद्दा आपने दिया है वो किस रीजन से है, उसके रीजन्स क्या है, वो अगर कोई इश्यू है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो तो वॉट आर द इश्यूज जिसके वजह से ये चीज हो रही है, उस इश्यू का इफ इट इज अ प्रॉब्लम तो उस प्रॉब्लम का इफेक्ट कहाँ हो रहा है, किस पे हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, एंड देन सॉल्यूशन। इसी सेकेंड पैराग्राफ में यू हैव टू डील ऑल थ्री टॉपिक्स, इन तीनों टॉपिक को आपने डील करना है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू पैराग्राफ नंबर 3, कंक्लूजन। कि कंक्लूजन आप कहीं भी देखना, अगर आपने स्टोरीज भी पढ़ी है तो कंक्लूजन का क्या मतलब होता है, कंक्लूजन मतलब समराइजिंग, इजंट इट, आपने शुरुआत जो की या बीच में जो बात हुई उन सारे को समअप करके
आप एंड में लिखते हो. सो सेम थिंग गोज हियर ऑल्सो विथ योर लेटर राइटिंग. यू सम अप द रीजन इफेक्ट एंड सजेशन कंबाइंड विथ देयर ओन व्यूज. ठीक है, आप सारी चीजों का एक क्विक सा समराइजेशन देंगे और उसके बाद अपने व्यूज के साथ में अपने लेटर को वहां पे क्लोज करते हैं. दैट इज द बॉडी ऑफ द लेटर. द कंटेंट मटेरियल इज ओवर. वो खत्म हो जाएगा आपका. एंड देन उसके बाद फिर आप थैंकिंग यू योर सिंसियरली. योर सिंसियरली क्या होता है? योर सिंसियरली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ 6 पॉइंट होता है आपके लेटर का. यस, व्हाट इज द 6 पॉइंट? दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. आप ये काम करेंगे कि आपका लेटर हो जाता है खत्म. उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करके आप अपने लेटर को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो. ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन आंसर सेशन. यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है. यहाँ पे इसी टाइम का ये क्वेश्चन है जो मुझे कल मिला था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर इट विथ यू. देयर इज अ सेइंग दैट आई सी आई नो आई डू आई रिमेम्बर. ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस करते हो, देख के आप समझते हो चीजों को, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो या कोई भी प्रैक्टिस करता है तो वो बिल्कुल सेट हो जाता है दिमाग में, वो बैठ जाता है हमारे. एंड यू कैन ऑलवेज रिमेम्बर इट. आप हमेशा उसको याद रखेंगे, रिकॉल कर सकते हैं. तो फॉलो दिस, कीजिए जरूर. अगर आपने कुछ देखी है अच्छी चीज आपको सीखने लायक लगती है, तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस, दो बार प्रैक्टिस जरूर करें. सो वी आर गोइंग टू डील विद दिस क्वेश्चन. यू आर श्रुति शिराज स्टेइंग एट आर के पुरम सिकंदराबाद. आई टोल्ड यू कि आपके लेटर में जो तो चीजें होती हैं वो होता है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, डेट, सैलिटेशन, सब्जेक्ट, बॉडी एंड सब्सक्रिप्शन. इसको फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आगे पूछूंगी. ओके, तो इफ आई आस्क यू वॉट वुड बी द सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस इसमें क्या होगा बताइए मुझे. यस, सेंडर्स एड्रेस ये है. यू आर, आई एम राइटिंग द लेटर, इज इट, मुझे लेटर लिखना है. सो आई एम, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, श्रुति और शिराज. सो याद रखिएगा, आपको कभी कभी भी अपना नाम नहीं लिखना होता है. जो भी नाम लेटर में दिया हुआ है आप वो नाम उठाइए, ठीक है, और लिखिए स्टेइंग एट आर के पुरम. सो यू हैव योर नेम ऑल्सो एंड यू हैव योर एड्रेस ऑल्सो. दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस. नाउ योर लोकैलिटी बीइंग अवे फ्रॉम द मेन सिटी, द पुअर बस सर्विस एडवर्सली अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ रेसिडेंट्स. आगे पढ़े, आऊंगी इस पे, आऊंगी वापस. राइट अ लेटर टू द एडिटर डेक्कन क्रॉनिकल हाइलाइटिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड एंड ऑल्सो गिविंग अ फ्यू पॉसिबल सोल्यूशन. तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिली? इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है. आप लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो. ओके, तो क्या है? योर लोकैलिटी बीइंग अवे फ्रॉम द मेन सिटी, द पुअर बस सर्विस एडवर्सली अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ रेसिडेंट्स. तो यहाँ हमें क्या मिला? यहाँ हमें मिला फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट. आपको बताया था ना, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, जिसमें द मोमेंट योर एग्जामिनर रीड्स योर सब्जेक्ट हेडिंग, ही और शी अंडरस्टैंड्स कि व्हाट इज द लेटर ऑल अबाउट. सो योर सब्जेक्ट हियर वुड बी द पुअर बस सर्विस एडवर्सली अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ रेसिडेंट्स. बस यही है आपका सब्जेक्ट. तो हमने लेटर को डिवाइड किया है, इसको सेंडर्स एड्रेस मिल गया हमें, सब्जेक्ट भी मिल गया हमें. राइट अ लेटर टू द एडिटर डेक्कन क्रॉनिकल. ठीक है, ओके. सो हमारा एड्रेस तो है ये. अब हमें ये एड्रेसी का एड्रेस मिल गया, दैट इज जिसको हमने लेटर लिखना है, हमें उसका भी एड्रेस मिल गया. द एडिटर डेक्कन क्रॉनिकल विल बी सिकंदराबाद. तो हमें तीन चीजें तो मिल गई. डेट, डेट भी आपको अज्यूम करके लिखना है. यू कैन राइट टुडेज डेट, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप डेट लिख दीजिए. सो आपका शुरू का फोर थिंग्स यू हैव टेकन केयर ऑफ, दैट इज सेंडर्स एड्रेस हो गया आपका, आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपके एडिटर भी हो गए, और डेट तो आपने दे ही देना है.
And then we come to salutation, which is like I told you, when the gender is not known, you can write sir oblique ma'am, isn't it? ये भी हो गया, तो हमने ये सारी चीजें तो हैंडल कर ली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट. आपको कंटेंट का भी यहीं पे मिल जाएगा. आपने अपना प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करना है बॉडी को, दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर लोकैलिटी विच इज अवे फ्रॉम द मेन सिटी, और यहाँ पे प्रॉब्लम बस सर्विसेज की है. यू हैव इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स बताओगे. आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी. So body of the letter will be talking about problem faced, and then you'll be giving solution. Isko conclude kijiye, and then you are good to go. Aapka letter writing mein koi problem aa hi nahi sakti. You will be absolutely on the 10 on 10 chart. Okay. So solution to that question. This is a imaginary address. B Really Apartments, MG Road, Secunderabad. Date is 25th February. I told you it can everything. Address to aapka diya hua, date you can write as per your assumption. Second Chronicle, Secunderabad. Subject: Poor bus service on MG Road. So on behalf of the residents of B Really Apartments, remember the question. What did it say? The question said योर लोकैलिटी. हम अपनी लोकैलिटी की बात करते हैं. ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ बी रियली अपार्टमेंट्स, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज अबाउट द पुअर बस सर्विस इन आवर एरिया, विच इज एडवर्सली अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द रेसिडेंट्स हु आर कम्यूटिंग बाय बस. तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए क्या कहता है. ये आपका बॉडी का फर्स्ट पैराग्राफ है, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन दिया अपना. आई मीन जो राइटर है, ऑफकोर्स उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया दैट ही और शी इज द रेसिडेंट ऑफ बी रियली अपार्टमेंट, और उसने प्रॉब्लम भी इंट्रोड्यूस कर दी कि प्रॉब्लम क्या है जिसके वजह से वो लिख रही है या लिख रहे हैं. ओके, सेकेंड पैराग्राफ. आर लोकैलिटी लाइज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मेन सिटी. So, a majority of our residents resort to use public transport to commute to and from the city. But the poor bus service, which has also led to the buses being overcrowded, is becoming a major problem for residents. So, अगर आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि इसमें प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, और प्रॉब्लम के वजह से क्या क्या हिंड्रेंसेज है, इशू क्या है, इशू से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं. एंड देन आर ओनली रिक्वेस्ट इज दैट अ फ्यू एडिशनल बसेस बी असाइंड फॉर आवर लोकैलिटी सो दैट कम्यूटिंग टू द सिटी इज नॉट अ नाइटमेयर फॉर अस. सो रिमेम्बर व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, याद है? बिल्कुल याद है, अभी अभी तो पढ़ा है, अभी अभी तो रिवाइज किया है. तो हमने बात करी थी कि इसमें थर्ड में दैट इज योर बॉडी शुड हैव, या फिर आपका जो कंटेंट पार्ट है उसमें बिगनिंग, मिडिल और एंड होता है. बिगनिंग में आपने अपने प्रॉब्लम की बात कर ली, फिर उसके बाद उसके क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं वो बात कर ली. एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर व्हाट आर यू डूइंग, यू आर गिविंग अ सोल्यूशन ऑल्सो, अ सजेशन ऑल्सो. सोल्यूशन नहीं होगा तो सजेशन तो दे ही सकते हैं. तो सजेशन दिया है कि कुछ बस सर्विसेज शुरू कर दी जाए. ओके, एंड देन आई कम टू द क्लोजिंग ऑफ माई लेटर. मैं समराइज कर रही हूँ, दिस इज द कंक्लूजन पार्ट. So I hope you will publish my letter in your esteemed daily. I told you style tone aapka bahut polite hona chahiye. So when you read this letter, you'll find that the tone is very subtle, very polite. Anybody would love to read this kind of letter, a letter which has such a beautiful language. I hope you will publish my letter in your esteemed daily so that our plea is heard and action is taken to lessen our woes. So humne conclusion bhi diya, और बहुत पोलाइटली हमने बता दिया कि हम लोगों को बहुत दिक्कत है, बस सर्विसेज प्रॉपर नहीं है, उसके वजह से वी आर इन प्रॉब्लम. ओके, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. किसी के घर जाओगे, बैठोगे, मिलोगे, टाटा बाय बाय करना तो बनता है ना, तो टाटा बाय बाय ही तो करते हैं. बिल्कुल पोलाइटली, योर्स सिंसियरली शिराज. सो हम वहां पे प्रेजेंट नहीं है, हमने उनको थैंक यू बोला है अपने तरीके से. सो दिस इज हाउ
Your letter to the editor looks like, and this is how I would suggest that you also deal with your letter. Here we have a practice question for you. अब आज का आपका असाइनमेंट ये है, isn't it? I told you, I do it, I remember it, isn't it? So you will do it so that you remember it. Write a letter to the editor of a local daily newspaper of the city, telling about rash and reckless driving by the people in your city, suggesting preventive measures. You are Pradyumna or Pragati of 10 Arjun Nagar, Agra. तो अगेन दिस इज अन इमेजिनरी एड्रेस सॉर्ट ऑफ एक टॉपिक है जो कि कॉमन है अक्रॉस द नेशन, विच इज ऑफ रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग. हमारे यहाँ बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही रैश ड्राइविंग होती है, रेकलेस ड्राइविंग होती है, पीपल डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. तो इन सारी चीजों को दिमाग में रख के एक क्वेश्चन फ्रेम किया है आपके लिए, आज उसको ट्राई कीजिए. तो यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली. मार्क द क्वेश्चन, इट इज लोकल डेली. हम नेशनल न्यूज़पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. तो आप अपने शहर के किसी भी लोकल डेली का एक फेक सा नाम बनाइए और लेटर टू द एडिटर वहां पे लिखिए, ठीक है? आपके सिटी का नाम दिया हुआ है तो यहाँ का एक लोकल डेली का नाम लिखिए और आप अपना लेटर टू द एडिटर ड्राफ्ट कीजिए. नाउ आई टोल्ड यू योर सेंडर्स एड्रेस इज हियर, सॉरी योर एड्रेसीज एड्रेस इज हियर, Your sender's address is here and your problem is here. Rash and reckless driving by the people. Subject heading भी आपका आ गया. अब आपको इस लेटर के साथ में डील करना है. ये लेटर आप ड्राफ्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. आई थिंक यू हैड अ वंडरफुल सेशन टुडे. तो टू सम अप, वी हैव पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर. हम कुछ भी करते हैं उसका एक रिवीजन, एक रिकैप तो बनता ही बनता है. इतनी सारी टॉकिंग और इतना सारा डिस्कशन हो गया, लेकिन अगर अब उसको हम रिकैप नहीं करेंगे, सीरियल्स में देखा है ना, रिकैप और प्रीकैप नहीं हो तो फिर मजा नहीं होता, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है. तो हियर इज अ क्विक सम अप ऑफ व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे. पर्पस, पर्पस ऑफ लेटर वी हैव डिस्कस्ड. बिजनेस, ऑफिशियल, जॉब, लेटर टू द एडिटर, हर का एक पर्पस होता है. स्टिक टू दैट पर्पस, उसे डेविएट मत होइएगा. ओके, पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस्ड, उसका ध्यान रखिएगा, उसके बेसिस पे ही लैंग्वेज जाएगा. टोन आपका सटल, जैसे लेटर टू द एडिटर में आपने देखा है, टोन आपका सटल होना चाहिए. कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, कहीं भी उसमें कुछ भी शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए. इट शुडंट बी इनकम्प्लीट, कि आधी बात तो समझ आ रही है और आधी बात आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे. छोटा लिखिए, प्रिसाइज लिखिए, बट क्लियर लिखिए. कंप्लीट मैसेज, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपके होने चाहिए. अगर आप किसी इशू के बारे में बात करें, टोन एंड द एक्सप्रेशन शुड बी सीरियस. ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर्स, ये सारे नहीं होने चाहिए. एंड वर्ड लिमिट, स्टिक टू द वर्ड लिमिट विच इज गिवन देयर. आपका वर्ड लिमिट होना चाहिए. ओके, यस, करेक्ट. थैंक यू, दैट बी ऑल फ्रॉम माय साइड. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बी विद अस. हमारे अन अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए एंड इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर टू टीच यू, इंटरैक्ट विथ यू. हैव अ वंडरफुल डे. बाय एंड एंजॉय. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.